गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस इज़ फॉर 8th एंड 9th. 9th का ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, और ये 8th का जो है ये थर्ड चैप्टर है. सो दिस इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का चैप्टर जो है कहीं ना कहीं आपने 7th क्लास से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया होगा, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट बायोफिकेशन हैं जिसमें हमें ये बताया गया है कि नेचुरल वेजिटेशन बेसिकली क्या है. और इसमें हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स के बारे में भी बात की है, और हमारे कितने टाइप्स के फॉरेस्ट एरियाज़ हैं और उनके मेजर एरियाज़ कौन से हैं, ठीक है, और उनके बेसिक रिलीफ फीचर्स क्या हैं. सो लेट्स डिस्कस नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन वो है जब प्लांट स्पीसीज का एक असेंबल होना, असेंबल मतलब इकट्ठा होना एनवायरनमेंट में, वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाता है, जो कि नेचुरली ग्रो करते हैं, उनको ह्यूमन एड की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल, जब हम कहते हैं कि हमने जहाँ पे ह्यूमन एड यानी कि ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमन नॉलेज और ह्यूमन के एफर्ट्स इन्वॉल्व होंगे जिस भी वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए, दैट इज़ नॉट अ नेचुरल वेजिटेशन. फॉर एग्जाम्पल, राइस, वीट, शुगर केन, इसमें क्या है, ह्यूमन अपनी स्किल्स लगा रहा है, अपनी नॉलेज लगा रहा है, अपने एफर्ट्स लगा रहा है, अपने प्रोडक्शन आउटपुट को और अपने प्रोडक्शन इनपुट्स को दोनों को मैनेज कर रहा है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी ध्यान रख रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, जस्ट वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? नेचुरल वेजिटेशन वो होती है जहाँ पे हम कहते हैं इन्वायरमेंट में बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट स्पीसीज इकट्ठे हो जाते हैं और वो नेचुरली ग्रो करना शुरू कर देते हैं बिना किसी ह्यूमन एड के. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फॉरेस्ट एरिया, जंगल. वहाँ पे आपको बहुत से नेचुरल वेजिटेशन के स्पीसीज मिलेंगे, प्लांट स्पीसीज मिलेंगे, जो कि अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं आपको बने हुए ग्रो हो जाएंगे, नेचुरली बने हुए मिलेंगे, और जिसमें आपकी ह्यूमन एफर्ट्स या ह्यूमन स्किल, नॉलेज, टेक्निक, उसका बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. तीन तरह के फॉरेस्ट होते हैं. एक होता है ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट, टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट. जो ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट है उसके आगे दो टाइप्स हैं. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेजर्टस फॉरेस्ट. लेट्स डिस्कस इट. ये रहे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेजर्टस फॉरेस्ट. ये इसके कुछ फीचर्स हैं. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन, एवरग्रीन से ही हमें जस्टिफाई हो रहा है वो फॉरेस्ट्स जो हमेशा ही ग्रीन रहते हैं. इनके फीचर्स हैं, इनके जो लीव्स हैं वो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं और बहुत ही ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, और एक टाइम पे ये सारे के सारे पेड़ अपनी छाया नहीं देते. दे डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम. और ये उन एरियाज में होते हैं जहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस होता है, और क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड होता है, यानी कि जहाँ आपको ह्यूमिडिटी बहुत मिलेगी, राइट. जैसे कि हमारा साउथ पोर्शन है जो इंडिया का, हमारी सदर्न बेल्ट है, वहाँ पे टेम्परेचर इतना ही रहता है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा रहती है. इनकी जो हाइट है वो 40 to 60 मीटर है. और ये जो इनके जो स्पीसीज हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, कौन से फॉरेस्ट आते हैं? बैम्बू, पाम, महागनी, रोजवुड और रबड़. एरियाज़ क्या हैं इसके? वेस्टर्न घाट्स, केरला, अफ्रीका, नाइजीरिया. और यहाँ इन जंगलों में आपको जो एनिमल्स मिलेंगे वो हैं एलिफेंट, लेमूर, मंकी एंड डियर. नेक्स्ट इज़ योर ट्रॉपिकल डेजर्टस फॉरेस्ट. इनकी जो रूट्स होती हैं ये बड़ी थिक होती हैं, बहुत लंबी होती हैं, जड़ें बहुत नीचे तक होती हैं इसकी, ग्राउंड लेवल तक. और इन फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज ये उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पे मानसून बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि बारिशें बहुत ज़्यादा रहती हैं, या मानसून एरियाज़ कह सकते हो, हम कह सकते हैं अपने वर्ल्ड की. नेक्स्ट इज द शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन टू कंजर्व मॉइस्चर. जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है ना सीज़न, तब ये अपने लीव्स शेड कर देते हैं मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए. और रेनफॉल कितना रहता है इस एरिया में? 50 to 100 सेंटीमीटर. और टेम्परेचर बिल्कुल मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है. नेक्स्ट, क्लाइमेट भी इसका मॉडरेट, ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा ठंड. और जो इसकी हाइट होती है पेड़ की, 6 to 15 मीटर होती है.
और इस पेड़ के एग्जाम्पल्स हैं, इसमें कौन से फॉरेस्ट आते हैं, टीक, साल, नीम, शीशम। और ये ब्राज़ील, म्यांमार, साउथ चाइना के एरियाज़ में सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। और इन फॉरेस्ट एरियाज़ में लायन, टाइगर, एलिफेंट और रेप्टाइल्स के स्पीसीज मिलेंगे आपको। नेक्स्ट इज़ योर मेडिटेरियन फॉरेस्ट। मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो होते हैं वाइडली स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, और जो इनके पत्ते होते हैं बहुत ही स्पाइनी होते हैं, स्पाइनी मतलब बहुत तीखे होते हैं, बिल्कुल पिन जैसे आगे से, और वैक्सी होते हैं, यानी कि अगर आप कुछ भी मतलब इनके पेड़ों से वैक्स जैसा टेक्स निकलता है, और इसके जो पत्ते होते हैं उसमें भी ऐसे चिपचिपापन आपको लगेगा, लेदर टेक्सचर, और बिल्कुल थोड़ा लेदर नहीं होती जैसे वैसे वैसे मतलब आपको टच करने पे फील होएगा, लेदर टेक्सचर है इनके लीव का। रेनफॉल मॉडरेट है, टेम्परेचर भी मॉडरेट है, और ड्राई समर सीजन्स में ये पेड़ सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि जब ड्राई समर सीजन वो होता है बच्चे जिसमें मॉइस्चर्स बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि सूखा सूखा सा मौसम गर्मियों का उन मौसम में। और इसकी स्पीसीज क्या है, सिट्रस फूड फ्रूट। सिट्रस फ्रूट क्या होता है, सिट्रस फ्रूट वो होता है जैसे कि खट्टा फ्रूट जिसमें आपके नींबू भी आ जाते हैं, राइट, आपका ऑरेंज भी है, आपका लेमन भी है, और लेमन के आगे बहुत से स्पीसीज हैं, ठीक है, कॉर्क, ऑलिव, ऑलिव तो आपने सुने होंगे ग्रीन कलर के होते हैं, तो ये सारे उसी की स्पीसीज हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट। नेक्स्ट इसकी एरियाज हैं नॉर्थ अफ्रीका, एशिया, यूरोप, साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे आपको एनिमल्स मिलेंगे सील, मैक, ग्रीक टॉर्टॉइस, ग्रेट बस्टर्ड एंड मॉन्क सील। ये जो है मेन एनिमल स्पीसीज इन फॉरेस्ट एरियाज में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज़ योर टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट जो होते हैं वो ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिन जो ट्रीज जो होते हैं कॉनिकल शेप में होते हैं, कोन तो देखा ही है ना आपने, आइसक्रीम कोन ऐसे कॉनिकल शेप में होते हैं, और नीडल शेप्ड लीव्स होते हैं उनके, सुई की तरह तीखे तीखे पत्ते। जनरली इन एरियाज़ में टेम्परेचर जो है बहुत लो होता है और रेनफॉल भी बहुत लो होता है। इसको चील के पेड़ भी कहा जाता है। जनरली ये हमारे इंडिया में हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेंगे, शिमला में मिलेंगे, ठीक है, ये अपर साइड ले लद्दाख में। इनको बेसिकली माउंटेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं सॉफ्टवुड फॉरेस्ट को। क्लाइमेट जो होता है वो बहुत एक्सट्रीम कोल्ड रीजन, ठीक है, और इनकी हाइट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके स्पीसीज हैं पाइन, फर, स्पर्स, सीएडर, चेस्टनट, वॉलनट। वॉलनट तो आपको पता ही होगा क्या होता है, वॉलनट अखरोट के पेड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ योर इसके एरिया, एरियाज़ हैं यूरोप, एशिया, नॉर्थ कैनेडा एंड यूएसए। एनिमल्स यहाँ पे आपको टाइगर मिलेंगे, गोल्डन ईगल मिलेगी, कश्मीर स्टैग, कश्मीर स्टैग तो आप जानते ही हैं क्या होता है, एंटलॉप, ठीक है, कश्मीरी स्टैग मिलेगा कश्मीर रीजन में जो पाया जाता है। जनरली इन फॉरेस्ट एरियाज़ में ये वाले एनिमल्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। एवरीबडी नो फॉरेस्ट जो है वो हमारी लाइफ लाइन है, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वी कांट सर्वाइव। फॉरेस्ट कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन एंड इट आल्सो प्रोवाइड सेफ हैबिटेट टू द वाइल्ड एनिमल्स, इट प्रोवाइड लाइवलीहुड आल्सो। हम टोटली इन पे डिपेंड है, घर बनाना है हमने, अपनी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि टेबल, कुर्सी, बेड्स, कुछ हम फॉरेस्ट एरियाज पे ही डिपेंड है, और अर्थ की टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए फॉरेस्ट जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, और पॉल्यूशन को कम करके अर्थ के टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए और हमें प्रॉपर ऑक्सीजन और फ्रेश एयर देने के लिए फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग ग्राउंड लेवल वाटर, और कहीं ना कहीं हमारे ग्राउंड लेवल वाटर को जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं वो मेंटेन करते हैं, उसको गिरने नहीं देते हैं, डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे नहीं जाने देते हैं, प्लस रेनफॉल का जो साइकिल है, मॉनसून साइकिल जिसको कहते हैं, उसको रेगुलराइज करने में भी फॉरेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फ्लड्स, फ्लड्स से बचाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश होगी तो पेड़ पानी सोख लेंगे, तो फ्लड जैसी सिचुएशन नहीं आती है, एज वेल एज ऑल्सो बैलेंस इको सिस्टम।
इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ क्यों इम्पॉर्टेंट है, कुछ इकोलॉजिकल वैल्यूज़ की वजह से और एस्थेटिक वैल्यू की वजह से, और कहीं ना कहीं जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ में नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो टूरिज़म को प्रमोट करती हैं। तो टूरिज़म को प्रमोट करने से कहीं ना कहीं नेशनल इनकम में, एक पर्सनल इंडिविजुअल की इनकम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, एज वेल एज इट ऑल्सो हेल्पफुल टू मेनटेन द इकोसिस्टम, और जो एक हमारा नेचुरल फिनोमिना है इन्वायरमेंट का उसको भी मेनटेन करते हैं। कहीं ना कहीं हम एनिमल्स पे भी डिपेंड है क्योंकि हमारा फूड चेन डिपेंड करता है उन पे, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सारी इन्वायरमेंट को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ योर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वेजिटेशन इन वाइल्ड लाइफ। डिप्लीशन मतलब ख़त्म होने के पीछे रीज़न क्या है, हंटिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को मारना जस्ट फॉर द कमर्शियल पर्पस, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत से एनिमल स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और इनडेंजर भी हैं, या तो ख़त्म ही हो चुके हैं या ख़त्म होने वाले हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज जिसको आप डिफॉरेस्टेशन बोलते हो, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अर्थ आज बहुत बड़ी बड़ी सीवियर प्रॉब्लम से हम फेस कर रहे हैं, जैसे कि सडनली टेम्परेचर शूट अप कर जाता है, हद से ज़्यादा गर्मी होना, टाइम पर बारिश नहीं होना, राइट, ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एयर पॉल्यूशन से प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं एंड सो ऑन। अर्बनाइजेशन की वजह से भी जंगल जो हैं उनको क्लीन कर दिया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी, डिफॉरेस्टेशन एज वेल एज डिस्करेजिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन को डिस्करेज करना एक बहुत बड़ा कारण बना वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को डिप्लीशन का। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? नेशनल पार्क एक वेल डिफाइंड एरिया है जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, और किसी को भी राइट नहीं है कि वो कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज़ कर सके। और कलेक्शन ऑफ फायरवुड यानी कि उस जंगल से लकड़ियाँ काट कर जिसे लोग लेके जाते हैं वो तो लाना बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो सारे के सारे वहाँ के जो एसेट्स हैं वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक ऐसा डिक्लेयर्ड एरिया इन विच लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परमिटेड, कुछ एक्टिविटीज़ ही परमिटेड हैं, हंटिंग ऑफ एनिमल्स और कटिंग ऑफ ट्रीज तो टोटली बैन है। पीपल कैन कलेक्ट फायरवुड एंड मेडिसिन हर्ब्स फॉर रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज। जनरली लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाके बहुत सी रिसर्च करते हैं एनिमल्स के ऊपर, हर्ब्स के ऊपर और अदर एजुकेशनल पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर लोगों को इस चीज़ की परमिशन दी गई है, बट वहाँ पर कटिंग ऑफ ट्रीज और हंटिंग ऑफ एनिमल्स टोटली बैन है। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमने कंट्रोल किया है और लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ही परमिशन दी है, अदरवाइज़ वो एरिया भी सारा का सारा किसके अंडर है, गवर्नमेंट के अंडर है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड फॉर कॉपरेटिंग मी, सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर एंड कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो। And please subscribe my channel Simplified Social Sciences by Sakshi Sharma, and I hope you clear all the chapter, and if you have any kind of query so you can ask me in and comment on the comment section box. Thank you.